अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर 1770 इस नाम से जो मूवी आने वाली है इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो क्या है इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो अभी पिछले दिनों ही हमने बात की थी कि एस एस राजामौली के पिताजी आरएसएस पर एक मूवी लिख रहे हैं और आरएसएस के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया, अगर वो देखना चाहते तो वीडियो को देख लीजिए। अब बात करते हैं कि 1770 ये मूवी क्या है। तो 1770 ये सन्यासियों की क्रांति है जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुई थी और इस पर एस एस राजामौली के पिताजी के वी विजय प्रसाद एक कहानी लिख रहे हैं जिस पर एक मूवी बनने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे। एस एस राजामौली को बाहुबली और ईगा यानी मक्खी जैसे मूवीज़ में असिस्ट कर चुके अश्विन गंगाराजू इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है और कहा भी जाता है कि एस एस राजामौली के पिताजी के वी विजय प्रसाद जिस भी कहानी को लिख देते हैं वो सुपर हिट हो जाती है। तो इसीलिए इस मूवी का क्रेज़ और भी बना हुआ है क्योंकि इसको के वी विजय प्रसाद द्वारा लिखा जा रहा है। अब जब से नई क्रांति आई है तब से भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो युवा है भारत के बहुत ज़्यादा इच्छुक है। तो इसीलिए तो भी कार्तिकेय 2 को देख लिया कितनी चली थी, तानाजी दशमगौरिया बहुत ज़्यादा चली थी और अर्थात जिसमें भारत का असली इतिहास दिखाया जाएगा उसको लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और देख लीजिए हमने एक वीडियो बनाई हर हर महादेव जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर इस दिवाली मूवी आने वाली है उसको भी आप जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। तो ये बात है कि एस एस राजामौली के पिताजी के वी विजय प्रसाद सन्यासी क्रांति यानी जो 1770 में जो हुई थी इसकी कहानी लिख रहे हैं। तो बात है देख लीजिए 1761 में जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा मशा अब्दाली से हार गए थे तो मराठा शक्ति पूरी कमज़ोर हो गई थी, तब अंग्रेज़ों ने अपना असली लक्ष्य जो भारत पे कब्जा करने का था और भारत को लूटने का था वो चालू किया। तब बहुत सारे बक्सर के युद्ध यहाँ बहुत बड़े बड़े मराठों के युद्ध एंग्लो मराठा वार हुए जहाँ फिर मराठों को अंग्रेज़ों द्वारा हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और जो कहा जाता है ना इतिहास में कि अंग्रेज़ों द्वारा मुगलों को हराया गया जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मुगलों को पहले से मराठों ने कुचल कर रख दिया था और मराठों के एहसान तले मुगल दबे पड़े थे क्योंकि पेशवा बाजीराव प्रथम के समय से ही दिल्ली पर मराठों का बहुत ज़्यादा कर्ज था और मुगल मराठों के अंदर में शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को असल लड़ाई मराठों से लड़नी पड़ी और मराठे जब हार गए तब अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ही ये जो क्रांति आई सन्यासी क्रांति या फिर जिसे सन्यासी विद्रोह कह देते हैं अंग्रेज, 1770 से जो टाइटल जो दिया गया है ये उसी समय की क्रांति की बात है। अभी तक फिल्म के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है लेकिन के वी विजेंद्र प्रसाद का नाम इसके साथ जुड़े होने के कारण लोगों ने भी से इसे सुपरहिट मान लिया है और इस 1770 इस फिल्म की कहानी मशहूर बंगाली राइटर बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम ये गीत लिखा है उन्होंने आनंद मठ पर आधारित है। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी, वह गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। 1770 में पहले जो मोशन पोस्टर उसको रिलीज कर दिया गया है जो कि सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, इसी को देखने के बाद हर किसी के मन में जानने की उत्सुकता है कि आखिर आनंद मठ क्या है, फिल्म में आनंद मठ की कहानी कैसे दिखाया जाएगा। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसकी कहानी 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल और सन्यासी विद्रोह पर हालांकि उसे विद्रोह नहीं उसे सन्यासी क्रांति कहना चाहिए उस पर आधारित है। तो 18वीं सदी में यानी 1700 से लेकर 1800 के बीच में जब अंग्रेज़ों का राज था और उस समय देश के कुछ हिस्सों में सन्यासियों ने भीषण आंदोलन किया, ज़्यादातर आंदोलन बंगाल में हुए थे, उस समय वहाँ भीषण अकाल पड़ा था और इसकी वजह से सन्यासी वहाँ घूम घूम कर अमीरों और बड़े सरकारी अफसरों को घरों को लूटते थे, जबकि ये सब उतना सही नहीं है क्योंकि सन्यासियों ने केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह किया था और वो अपने ही देश के लोगों को कभी नहीं लूट रहे थे। बाद में सन्यासी दल ने सरकारी दफ्तरों, हालाँकि वो सरकारी दफ्तर नहीं, वो अंग्रेज़ों के दफ्तर थे और अंग्रेज़ कोई भारत की सरकार नहीं थी, वो विदेश से आए हुए आक्रांता थे जो हमारे देश को लूट रहे थे। तो इसको विद्रोह इसीलिए ये लोग कह देते थे क्योंकि अपने आप को वो लोग एक सरकार की तरह देखते थे, जैसे कि भारत में वो लोग एक सरकार बना के रह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो भारत में बाहर से आए हुए लोग थे जो कि भारत को लूट रहे थे। बाद में इन सन्यासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी पर आधारित है जो तब एक राजनीतिक उपन्यास बन गया और तब इसने हर देशवासियों को प्रभावित किया था। 1770 के जो सन्यासी क्रांति इस पर बॉलीवुड के द्वारा भी 1952 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था आनंद मठ। इसमें जो लता मंगेशकर जी का जो गाना था वंदे मातरम वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जिसको आज भी हम स्वतंत्रता दिवस पर गणतंत्रता दिवस पर चलाते हैं और सुनते हैं जो कि। तो अगर बॉलीवुड के द्वारा इस फिल्म को बनाया जाता तो हमें पहले से कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन के वी विजय प्रसाद जी द्वारा इसका कहानी लिखा जा रहा है और एस एस राजामौली जी को असिस्ट कर चुके अश्विन गंगाराजू इसके डायरेक्टर होने वाले हैं जो। और सबसे बड़ी वजह यह है इस फिल्म को देखने का और एक्साइटेड होने का क्योंकि ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री से आ रही है और हम देख ही रहे हैं कि पिछले जितने भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आई है उन्होंने भारत के इतिहास को कितने गौरवशाली तरीके से दिखाया है, जैसे कि हाल ही में आप कार्तिकेय 2 को ही ले लीजिए क्योंकि पहले से इस फिल्म के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं और अगर इस फिल्म को RRR के बजट के साथ बनाया गया तो ये फिल्म और ज़्यादा धूम मचा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
और अभी से सोशल मीडिया पर ट्रिपल आर और इस फिल्म की तुलना की जा रही है। लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या ये मूवी ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।